नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। देहरादून का नाम आते ही आपके दिमाग में खूबसूरत वादियां, पहाड़ और खुशनुमा मौसम आता होगा। लेकिन कहते हैं ना कि चांद में भी दाग होता है, और यही दाग देहरादून में डायबिटीज मरीजों को लेकर दिखा। आपको बता दें कि बढ़ते डायबिटीज मरीजों की संख्या को लेकर डॉक्टर एस कुमार ने वहां पर 15 नवंबर 2021 को अपनी एक नई शाखा का शुभारंभ कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी की एक और शाखा देहरादून में पहुंच चुकी है, और इस नई शाखा का शुभारंभ फीता काटकर देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने किया। सर, एप्रोप्रिएट डाइट सेंटर, थेरेपी सेंटर जो आपके प्रदेश में खुला है, ये एक पहल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, हमारी शुभकामना है सबसे पहले तो जी, और जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया है अगर वो वाकई सच है तो निश्चित रूप से जो है आज के युग में जो है सभी लोग कुछ ना कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं, और दवाइयों से कुछ उनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। दवाइयाँ खाने से जो है कई बार जो है देखने में आता है कि उसकी किडनी चली गई, उसका लीवर चला गया। अगर ये चीज़ें हैं तो इससे जो जनता को ज़रूर लाभ मिलेगा। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार जी की इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर एस कुमार जी को बहुत बधाई देता हूँ, और उनके मार्गदर्शन से हमारे देहरादून में, हमारे उत्तराखंड में उनके मार्गदर्शन से इलाज होगा तो निश्चित रूप से जो है जो लोग दिल्ली, बॉम्बे, अन्य बड़े शहरों में जो है अपने उपचार के लिए जाते हैं उनको देहरादून में जो है ये उपचार मिलेगा, तो ये देहरादून के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। सर, एक आखिरी सवाल, उत्तराखंड और देहरादून की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे इस पहल के ऊपर? चलिए, मैं अभी देहरादून में ये खुला है, मेरे जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं भी जानता हूँ, जिन्हें बचपन से ही जो है शुगर पेशेंट हो गए हैं, मैं उनको भेजूँगा। अगर उनको लाभ मिलेगा तो ज़रूर जो है अन्य लोगों को भी जो है हम सलाह देंगे कि यहाँ आइए और यहाँ से जो है अपने इलाज कराइए और अपने आप को स्वस्थ कीजिए। आज डायबिटीज से देहरादून ही नहीं बल्कि पूरा विश्व परेशान है। डायबिटीज को लेकर वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार ने क्या कहा? भारत में डायबिटीज की मेडिकल जांच क्यों अधूरी की जा रही है, जिसके चलते 90% लोग बिना डायबिटीज ही डायबिटीज करार दिए जा रहे हैं। आप भी सुनिए वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार को। सर, अपने इस ब्रांच के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं और फ्यूचर क्या प्लान से क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपने पेशेंट्स के लिए और उत्तराखंड की जनता के लिए? उत्तराखंड की सभी जनता के लिए मेरा संदेश यही है कि एक बार जरूर आके मिले। कुछ टेस्ट हम लोग जो कराते हैं, जो भारत में डॉक्टर कुमार के सिवाय एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कोई नहीं कराता है, उसमें सबसे पहले जो है फास्टिंग सीरम इंसुलिन एक टेस्ट होती है, आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है, आपका सी पेप्टाइड एक टेस्ट होता है, आपके बीटा होमा आयर करके एक टेस्ट होता है जिसमें आपके बॉडी के अंदर कितने बीटा सेल बन रहे हैं और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। भारत में आज के दिन में डॉक्टर कुमार के सिवा कोई ये टेस्ट नहीं करा रहा है, और 90% लोगों को मैंने ये पाया है कि उनके बॉडी के अंदर इंसुलिन सही मात्रा में होती है, बीटा सेल सही मात्रा में होते हैं, लेकिन शुगर आपकी कंट्रोल में न आने के कारण आपके जो टैबलेट्स हैं उसके डोज बढ़ते चले जाते हैं, और उससे भी नहीं हुआ तो इंसुलिन चालू कर दी जाती है। तो इस चीज़ के लिए मैं सबसे गुजारिश करूँगा, जितने भी डायबिटीज से पीड़ित जो लोग हैं आज उत्तराखंड में, स्पेशली देहरादून में, उन्होंने ये टेस्ट ज़रूर कराएं और हमारे सेंटर्स पे आके एक बार ज़रूर मिले, समझने की कोशिश करें कि वाकई में उनको डायबिटीज़ है या नहीं। मैंने आज तक भारत में, मैं इतने मेरे 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, मैंने अभी तक मेरे प्रैक्टिस में डायबिटीज़ पेशेंट नहीं देखा है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि उनका सिस्टम जो है वो सही है,
हमारे मेडिकल फील्ड में एलोपैथी में सिम्टम्स में चलता है कि आपकी शुगर बढ़ गई, आपकी शुगर कम हो गई, लेकिन वो हुई क्यों? जब मेरा सवाल सभी लोगों से ये होता है कि जब आपका टाइफाइड ठीक हो सकता है, मलेरिया ठीक हो सकता है, आजकल टीबी 6 महीने में ठीक हो जाती है, तो फिर हम डायबिटीज़ के लिए सालों साल क्यों दे रहे हैं? कभी हमें सवाल में प्रश्न क्यों नहीं आता है कि आप 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 25 साल हो गए और हमें अभी तक कंट्रोल नहीं? इस दायरे में शरीर के दूसरे जो पार्ट हैं, जैसे सर ने बताया कि किडनी डैमेज हो जाती है, सारी चीज़ डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, कई लोगों की आंखें ख़राब हो जाती है, कई लोगों के पैर एम्पुटेशन करना पड़ता है, तो इस सारे चीज़ों से बचने के लिए जो एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी है और हमारा जो वर्क है वो हम लोग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, सिम्टम पर नहीं। ध्यान रखिएगा, जड़ पर अगर काम होता है तो आपके सिम्टम्स ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो यहाँ से सब लोगों से एक बार गुजारिश है कि एक बार अवश्य ये सारे रिपोर्ट करके ज़रूर मिलिए। टेस्ट करने के बाद में हमारे यहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट करवाना या नहीं करवाना, ये उनका मौलिक अधिकार है, उससे हम कभी नहीं बोलते, लेकिन एक बार ज़रूर मिले ताकि डायबिटीज़ उनकी जड़ से ख़त्म हो सके। और लोग बोलते हैं कि भारत By 2025, India is going to be diabetic capital of the world. मेरा ऐसा कहना है कि अगर ये सारे टेस्ट अगर बराबर करते रहे लोग, तो आने वाले अगले 50 सालों में भारत ही क्या देहरादून भी इस डायबिटीज से मुक्त हो सकता है, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ हमारे जो रिपोर्ट्स हम लोग बोलते हैं उसमें कराने के लिए। तो सुना आपने, जिस तरह से वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार दावा कर रहे हैं कि भारत में 90% लोग बिना डायबिटीज ही डायबिटीज करार दिए जाते हैं, अगर उनकी बात में दम है और अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो आप भी एक बार एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में जरूर जाएं और इस बात का पक्का सबूत लेकर आएं कि आपको डायबिटीज है या नहीं। अगर आप भी डायबिटीज के मरीज हैं तो एक बार एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर जरूर जाएं। लेकिन जाने से पहले आप ये जान लें कि वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार हैं कौन। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार, जिन्हें 45 सालों का तजुर्बा है और भारत में इनकी 55 से ज्यादा शाखाएं हैं और इनका दावा है कि भारत में 90% लोग बिना डायबिटीज ही डायबिटीज के मरीज करार दिए जाते हैं। और ना सिर्फ ये दावा करते हैं बल्कि जब लोग इनके पास आते हैं, अधूरी जांचों के चलते यही पाया जाता है कि वाकई में उनको डायबिटीज है ही नहीं। तो क्या सोचते हैं आप, हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, और साथ ही साथ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी की इस नई शाखा का पूरा पता और नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो कॉल करना ना भूलिएगा, शायद हो सकता है कि आपकी डायबिटीज का यही अंत हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।